वही हो गए। स्टार्ट करें लेक्चर नंबर थ्री। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड विद लिमिटिंग रिएजेंट, एसी बंद करना है। तू यार सामने रही है। मेरे को भी ठंड लग रही है। क्या सर? मेरी जेब ठंडी हो रही है मतलब। ओ वो चलेगा जितना एसी उतना जेब में लोड पड़ेगा ना भाई। ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। तुम लोग नहीं रखोगे तो मेरा जानवर कौन रखेगा? तुम्हारे समय मेरा कौन है? चलिए, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटिंग रेंज का कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया है और हम लोगों ने मोल कांसेप्ट के बहुत सारे फॉर्मूले देखे। बहुत सारे से मतलब कितना है मेरा? 7 फॉर्मूले देखे थे। एक बार फटाफट से देखो, तुम्हें जो काम करना है वो उन 7 फॉर्मूले को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। अगर आपने उन 7 फॉर्मूले पे कमांड बना ली तो आप समझ लो मोल कांसेप्ट पे आपकी कमांड बन चुकी है, राइट? अभी आज मैं एक बार फटाफट से उन 7 फॉर्मूले को लिख देता हूँ और उनका यूज मैं आपको बता चुका हूँ। मोरओवर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि हमारे पास प्रीवियस ईयर आईआईटी में आए हुए होंगे या फिर नीट में आए हुए होंगे, कहीं ना कहीं तो हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए होंगे, वो हम लोग करेंगे, राइट? सबसे पहले आज का हमारे पास जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले वैष्णवी, ये आपके पास फॉर्मूले थे बेटा कुछ। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, ये बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास, ये बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या कुछ भी अपॉन Na, ये बराबर होता है PV by RT, ये बराबर होता है V@STP अपॉन 22.4 और ये बराबर होता है कौन सा बच गया? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इन 7 चीजों को अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोग इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर या तो किसी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं या किसी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं या किसी का मास निकाल रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। बट इन सब की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप किसी भी फॉर्मूले को किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रखा है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने मोल कॉन्सेप्ट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश करिए तो हम होंगे कामयाब, राइट? सो अब यहाँ पर हम लोगों ने इतना तो जान लिया है कि इन फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मास परसेंटेज। क्या नाम है बेटा? मास परसेंटेज। बहुत ही छोटू सा आप सबके सामने कॉन्सेप्ट आ रहा है मास परसेंटेज। अब देखिए आप लोगों के सामने मास परसेंटेज को मैं किसी चॉकलेट वॉकलेट से तो डिफाइन नहीं कर रहा, डेली का बजट का होता नहीं है, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि मास परसेंटेज में आपको अपनी बॉडी के मास समझा देता हूँ। दिख रहा हूँ बिल्कुल हट्टा कट्टा, एक नंबर की बॉडी मैंने बना रखी है ना? तो कोई क्या मास परसेंटेज। अब मैं मास परसेंटेज को डिफाइन करने जा रहा हूँ। मास परसेंटेज क्या होता है ऐसे समझिए, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का मास परसेंटेज अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आप उस पर्टिकुलर चीज को देखिए कि टोटल अमाउंट में से उस पर्टिकुलर चीज का वहां पर रोल कितना है। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे समझिए मेरी बॉडी के मैं 4 हिस्से कर देता हूं। एक मेरे गले तक का हिस्सा नंबर 1, दूसरा मेरे छाती तक का हिस्सा, तीसरा पैरों के जो बीच में मतलब ये थाइस है तक का हिस्सा और चौथा मेरे पैर। समझ गए? 4 हिस्से मैंने कर दिए। 4 हिस्से में मेरी बॉडी का वेट मान के चलिए 50 kg है, ठीक है? 52 है टोटल, 52 है इतना ही है टोटल। हाँ बेटा तेरा कितना है? है 30। मेरा 55 है। फिर मेरा 55 है सर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी बॉडी के 4 हिस्से कर, लेट्स से इस 52 केजी को मैं इक्वल नहीं कर रहा हूं,
मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा कि 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये, ऐसे इक्वल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि चलो 15 किलो का तो मेरा सर है, दिमाग में ज्यादा हो जाना 15 किलो का तो मेरा सर हो गया, बाकी और एक्स वाई जेड जो भी है ये 17 किलो का हो गया, ये 9 किलो का हो गया और ये 11 किलो का हो गया, ऐसे मान लीजिए। तो मेरे पास चार पार्ट में ऐसे कर लिए, 15 17 9 और 11 हो गया, 52 हो गया, परफेक्ट है। अब 52 केजी में से अगर मेरे से पूछता है मेरी बॉडी के अंदर मेरे धड़ का मास परसेंटेज कितना है, धड़ मतलब जो काटा था फर्स्ट पार्ट, इसका मास परसेंटेज कितना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया, मैंने अपनी बॉडी को चार कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, तो मास ऑफ द कंपोनेंट ये ऊपर वाला पार्ट है। अब मास ऑफ द कंपोनेंट का मास कितना है, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है तो 100, यही पता है तुम्हें ठीक है बेटा। अब मेरे को मास परसेंटेज निकालना है, मैं मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100 कर देता हूं, मास ऑफ कंपोनेंट धड़ का कितना आ जाएगा 15 अपॉन टोटल मास कितना है 52 इनटू 100। तो इस तरीके से मैं अपना मास परसेंटेज निकाल रहा हूं इस वाली अपर बॉडी, अगर मेरे से पूछता है इसका है तो कितना आएगा 70 बाय 52 इनटू 100, नीचे का पूछेगा तो ये निकाल लोगे, समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, कि आप लोग मुझे बताइए कि CH2 में परसेंटेज कार्बन कितना है, परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है, परसेंटेज क्लोरीन कितना है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? ध्यान से देखो और बहुत आराम से दिमाग लगाओ, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही आराम से हो जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के मास परसेंटेज बताइए कितने कितने अमाउंट है वो प्रेजेंट। सबसे पहले मुझे क्या करना था, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, पहले टोटल मास निकाल लेता हूं, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 12 प्लस 2 प्लस 71, ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास 85, ये मेरे पास टोटल मास आ चुका है। अब आपको निकालना था मास ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि मास ऑफ कंपोनेंट, कार्बन एक है तो 12 अपॉन 85 ये आपके पास पहला आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन 2 अपॉन 85, तीसरा क्लोरीन 71 अपॉन 85, ये आपके आंसर्स। अब इन्हें आप फ्रैक्शन में रहने दीजिए या पॉइंट में कर लीजिए, ये आपके कर देना। सारे काम आप लोगों की एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 1.2, उस प्रॉब्लम में काफी सारी प्रॉब्लम दे रही है। अब हम लोगों को वहां पर एक नई चीज से इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका नाम था एम्पेरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि बेसिकली अगर मास भी हटा दो तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें इंट्रोड्यूस कराया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी फॉर्मूले का सिंपल होल नंबर का रेशियो, हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले का सिंपल होल नंबर का रेशियो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि एक टर्म है जिसका नाम पड़ेगा n, n को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला से किस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.2 खोल लीजिए, मिल गया 1.2, देखो उसमें दे रखा होगा कि हाइड्रोजन इतना है, क्लोरीन इतना है, कार्बन इतना है, मिल रहा है?
प्रॉब्लम नंबर 1.2 को अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हमारे पास देखो पहले तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने बात बोली उसको एक बार चेक कर लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, वेयर एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट देयर और प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। ये चीज हमारे पास बहुत ही सिंपल वे में बोली है जो कि हमें सिंपल नहीं लगती, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल प्रिटी मच आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से कंपाउंड का बनाना है या एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, राइट। देखो कंपटीशन में जितनी गंदी वैल्यू या जितनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू एनसीईआरटी में दे रखी है इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं डालेंगे। जनरली कॉम्पिटिशन में आप लोगों का चेक किया जाता है स्किल, कैलकुलेशन चेक बहुत ही कम करते हैं, कर लेते हैं पर बहुत ही कम, है ना। तो इतनी गंदी वैल्यू नहीं डालेंगे जो यहाँ पर दी गई है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से कंपटीशन में क्या पूछा जाएगा और मैं तुम लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम दे रहा हूँ कि जो गंदी कैलकुलेशन है उसको अवॉइड करके तुम अच्छी अच्छी कैलकुलेशन ले लो, राइट। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा एक टॉपिक और बचेगा इसमें, मतलब अभी जैसे एनसीईआरटी इजी वाला दे रखा है बट पीछे जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है टफ वाला दे रखा है, ठीक है। हम लोग सारे करेंगे नो डाउट एट ऑल, बट अभी आज की क्वेश्चन जो है उसे पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पर है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अब आपके सामने इसने क्या ले दिया है 4.07% हाइड्रोजन, आगे हमसे कहता है 24.27% कार्बन। क्या कहता है बेटा हमारे पास 24.27% कार्बन और सबसे आगे की कहता है एंड 71.65% क्लोरीन एंड 71.65% क्लोरीन। देखिए बेटा एक बात आप लोगों को जो याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि इन तीनों को मिलाकर आप लोगों के पास 100% रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर तो आप लोगों के पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जिसमें तीनों की वैल्यू थी और 100% आ गया, आप लोग आंसर निकाल लेंगे। लेकिन कई बार कंपटीशन में कंफ्यूज करने के लिए वो केवल किसी दो वैल्यूज को देता है कि भाई ये दो वैल्यूज हैं और आगे बोल देता है कि रिएक्ट करने के बाद या उसके ऑक्साइड के साथ मिलने के साथ उसने ऐसे कर दिया है करके आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई उसका ऑक्साइड ऐसे बन गया है या इस मेटल के साथ रिएक्ट किया उसने ऑक्साइड बना लिया, पर देगा सिर्फ दो की वैल्यू। तो एक्चुअल में ऐसे केस में आप लोग जब देखेंगे कि वहां पर ऑक्साइड है तो आपके पास तीसरा एलिमेंट अपने आप क्या निकल के आएगा बेटा, ऑक्सीजन। हम लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो तीसरा एलिमेंट आपको माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन में हमने ऑक्साइड की हिंट दे दी, दो एलिमेंट हमें पता थे, तीसरा एलिमेंट अपने आप क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने जो इसने परसेंटेज दे रखी है, मैं आप लोगों की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं एनसीईआरटी को वॉयलेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने डेटा सारा वही लिखा है, आप लोग घर जाकर वही करेंगे, बट आप लोगों की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं सारे पॉइंट वाली वैल्यूज को अभी एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट पॉइंट वाली वैल्यूज में अभी नहीं लूंगा, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास अकॉर्डिंग टू माई डाटा, अकॉर्डिंग टू माई डेटा इट वुड बी 4, 24 एंड 71। टू मेक इट इजी ओनली, मैं इससे भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे भी कर सकता हूँ, राइट। अब फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जो आपको परसेंटेज की टर्म्स में दिया गया है उसको आप मास कंसीडर कर लीजिए, यानी कि आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोवाइडेड है, 24 ग्राम कार्बन प्रोवाइडेड है और 71 ग्राम क्लोरीन प्रोवाइडेड है। ये करते ही आप लोग पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं कि इनके मास आप लोगों ने पता कर। सेकेंड पार्ट जब आप करेंगे उसमें हमारे पास आता है इन सब के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पर हमारे को मास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास हमें इन सभी एलिमेंट का पता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर गिवन मास
अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरीन। स्टेप समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है सबके बेटा, नंबर ऑफ मोल्स सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास तीन नंबर आपके सामने आ चुके हैं, एक फोर, एक टू और एक टू। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जनरल टर्म दिख रही है कि एक हाइड्रोजन चार है, कार्बन दो है और क्लोरीन दो। लेकिन बेटा अभी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास नंबर आए हैं ना, इनको लोएस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि इन तीनों में से जो सबसे छोटा आया है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा आया है उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। यानी कि 4 टू 2 में सबसे छोटा कौन है, 2। तो डिवाइड ऑल दिस थ्री इक्वेशन या ऑल दिस थ्री टर्म्स बाय 2। तो आप इन तीनों को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास 2 1 1 आ चुका है। लेकिन दिमाग में एक चीज तो जरूर आई होगी ना, सर ये तो यहाँ का केस है, अगर पॉइंट में आ गया तो 1.5 आया या कुछ ऐसी टर्म आ गई जिससे हमें जो है दिक्कत आने लगी। देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ आप लोगों को बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं दी जाएंगे। हाँ ये जरूर हो सकता था कि आपके पास ये एक 2 आ जाए, एक 1.5 आ जाए और एक 3 आ जाए। ऐसे केस में क्या करेंगे हम, तो हमारे पास है ना सर सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग अगर पॉइंट में आते हैं तो क्या करें। तो बेटा याद रहे आपको कभी भी पॉइंट में अपना आंसर नहीं देना है, आपको कैसे भी करके इस पॉइंट को हटाना है। जैसे कि मुझे अगर यहां से पॉइंट को हटाना है तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4, ये 3 और ये 6, और मेरा आंसर फिर इस टर्म में लिखा जाएगा ना कि इस टर्म से। तो अगर पॉइंट में आता है तो आप लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करके जो भी सुटेबल टर्म, वैसे जनरली 1.5 ही आपको देगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर आप लोग वहां से उस पॉइंट को हटाएंगे और अपना इस नेचुरल फॉर्म में आंसर लेकर आएंगे। वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हमारे को ये चीज मिल गई है कि आप लोगों के पास जब ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ चुका है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब बेटा हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 2, कार्बन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1। तो आप फॉर्मूला बनाइए क्या बन जाएगा, H2CCl लिख सकते हो, बट थोड़ा सा सिमेट्रिकली अरेंज करने के लिए कार्बन को पहले रखिए, हाइड्रोजन को बीच में, Cl को बाद में, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा CH2Cl। बट ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है बेटा, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ऐसा नहीं कि आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, क्वेश्चन में अभी कुछ अधूरा है, क्वेश्चन पूरा कर देता हूं मैं। आगे कहता है इट्स मोलर मास इज 98.96, हमसे कहता है कि इसका मोलर मास, क्वेश्चन का कितना दे रखा है हमें, 98.96, राइट। यहाँ पूरे कंपाउंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इस पूरे क्वेश्चन में इतना कंपोजिशन है इनका और इसका जो कंपाउंड का मोलर मास है ये हमको कितना दे रखा है बेटा, 98.96। अब मैंने याद करो आपको पढ़ाने से पहले एन की बात करी, एक छोटे से एन की बात करी, तो बेटा आप ऐसे समझिए मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन आपका जो ये वाला मास है, ये कौन सा है, एम्पेरिकल मास, ये कौन सा मास है, एम्पेरिकल मास, इसे क्या लिखते हैं मैं, ई मास लिख दूं चलेगा, ये बराबर होता है बेटा आपके एन, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ये एन के इक्वल होता है। मोलर मास कितना गिवन है बेटा मेरे को, 98.96, और अगर मैं यहां पर करता हूं एम्पेरिकल मास, कार्बन का 12, इसका 2, 14 प्लस 35.5, 49.5 समथिंग से ये 2 बार कट रहा है, तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ चुकी है। अब यहां पर जो आपके पास n की वैल्यू 2 आई है,
इस वैल्यू को जब आप इस एम्पिरिकल फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला भी तो एम्पिरिकल, ये मास भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, तो फॉर्मूला कौन सा हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आप कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एन की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूले में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, टू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जैसे आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास CH2 CN की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपके पास आ जाएगा C2H4Cl2। दिस विल बी योर फाइनल फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज कर एक दूसरे का रिलेशन निकालते हैं। एंड दिस इज द चैप्टर जो आपका मूल कॉन्सेप्ट है, उसमें लगभग लगभग इतना ही आपको बताया गया है। अब जो एक्स्ट्रा चीज है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, अब डिटेल में उनको भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो आप पढ़ लेते हो मूलर मास, जो आपके पास आराम से एलिमेंट के निकाल निकाल के बताए थे कि इसका मूलर मास है। लेकिन एक जो मास आता है वो आता है फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, और अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्मूला मास की जो वैल्यू है उसमें तो कोई अंतर नहीं आता। अगर आपसे कहता है कि NaCl का फॉर्मूला मास बताइए, आपसे अगर कहता है कि NaCl का फॉर्मूला मास बताइए, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, है सेम। बस जो आपका फॉर्मूला मास जब बोल देता है तो एक्चुअली वो Na और Cl का नहीं, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मास पूछता है, Na प्लस और Cl माइनस। मास लगभग हम लोग वही लेते हैं, उसमें लोग छिड़काई नहीं करते। तो फॉर्मूला यूनिट मास देखकर आपको कंफ्यूजन हो जाना, वो क्या है, सिंपली इट इज द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस दैट आर बीइंग प्रेजेंट। जो हमारे पास आयंस है, जैसे यहाँ पे NaCl का मास 58.5 है ना, तो फॉर्मूला यूनिट मास 58.5 ही है, बस वहां पे अंदर क्या आ जाएगा, NaCl का ना लिखकर हम लोग Na प्लस और Cl माइनस का मास लिख देते हैं। ये आपके पास इस चैप्टर के मूल कॉन्सेप्ट के पार्ट से खत्म हो जाता है। आपका पूरा चैप्टर का टॉपिक जो है यहाँ पे इन्हीं पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सब का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3, 1.3, ठीक है, बिल्कुल इसी का ही भाई है और इवन इससे आसान है। मैं इसको रख कर सकता हूं, मैं उस क्वेश्चन में अगर वैल्यू की बात की जाए तो हमसे कहता है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, आपको क्या बताना है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग, उसमें आयरन आपको दे रखा है 69.9, उसमें बोलता है हमारे पास 69.9% तो Fe है और हमारे पास 30.1% ऑक्सीजन है, राइट। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से एक चीज को देखिए, सबसे पहले तो 30.1% डाइऑक्सीजन बोलता है वही, राइट। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं कि 30% डाइऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए वो O2 के मोलर मास यानी कि 32 से डिवाइड करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, जो उसका रेस्पेक्टिव मास से O का मास उसी से आपको डिवाइड करना है, और जो परसेंटेज दे रखे हुए यानी कि आपको किसमें दे रखा है, उसका मास दे रखा है सिंपली, तो यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 69.9 और ये हो जाएगा आपके पास 30.1। नाउ आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 56, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको 56 से डिवाइड करूंगा और इसको किससे डिवाइड करूंगा बेटा, 16 से, 56 को 69.9 से डिवाइड करूंगा कितना आ रहा है, 1.25 आएगा, और जब आप 60 को 30 से करोगे 30.1 से, तो आपका 1.88 आएगा। यानी कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले स्टेप तक पहुंच चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स वाले स्टेप तक पहुंचने के बाद हमारे पास अगला था कि इन दोनों में से जो छोटा होगा उससे हमें दोनों को डिवाइड करना है। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 1.25, जब मैं दोनों को छोटे को 1.25 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25 by 1.25, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.88 by 1.25। आप इसको काटेंगे तो आपके सामने 1, आप इसको काटेंगे तो आपके सामने 1.5। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे एक्चुअल में वैल्यूज याद हो गई हैं।
अब इधर देखिए 1 और 1.5 आपके सामने आ चुका है। मैंने पहले भी बोला था अगर आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन फंसाए कि आपके पास एक तरफ 1 और एक तरफ 1.5 दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर आपके पास इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी कि 1 into 2 कर रहे हैं ना बेसिकली 1 into 2 और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप 1.5 into 2 तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आपके पास AB का कितना आया 2, O का कितना आया 3, तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB2O3। सो दिस विल बी आवर आंसर। आसान था। एक और टॉपिक जो कि इस चैप्टर का मतलब चैप्टर को नहीं बोलेंगे अगला टॉपिक जो आएगा वो है एवरेज एटॉमिक मास। क्या है बेटा हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने, इसको नोट करना है, वैसे तो आप लोगों को दिमाग में नोट करना है ना, इसे मिटा ही देता हूं, क्या ही करोगे इसे छाप कर। चीजों को समझो और अपने आप करना शुरू हो जाओ, हो गई केमिस्ट्री। चलिए अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का रहने वाला है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग चलते हैं तो मैं आपको आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है एवरेज एटॉमिक मास में, उसने कार्बन का एग्जांपल ले रखा है और कार्बन के 12 आइसोटोप 13 आइसोटोप और 14 आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस यानी कि आपके एटमोस्फियर में कितने कितने अमाउंट में पाया जाता है वो दे रखा है और आपसे बोला है एवरेज एटॉमिक मास बताइए। अब देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ जो मेरे पास एनसीईआरटी है उसका पेज नंबर 17 यहाँ पर मेरे को बोल रखा है कि कार्बन का जो आइसोटोप है C12, C13 और C14 इसका रिलेटिव अबंडेंस दे रखा है 98.892, इसका दे रखा है 1.108 और इसका दे रखा है 2 × 10⁻¹। अब ये रिलेटिव अबंडेंस एक्चुअली परसेंटेज में दे रखा है और इनके एटॉमिक मास आपको प्रोवाइडेड है 12, 13.00335। आप इतनी लंबी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बताया 12 का मास कितना है, 13 का मास कितना है और ये क्या है कि हमारे पास नेचर में जो अबंडेंस ही है परसेंटेज कितना अमाउंट मिलता है, सबसे कौन सा मिलता है 12 आइसोटोप, फिर 13 सबसे कम 14 रेडियोएक्टिव है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग काफी सारी चीजों में करते हैं, ठीक है, लाइफ ऑफ फॉसिल वगैरह ये सारी चीजें भी निकालेंगे, कार्बन डेटिंग में तो आप पढ़ेंगे तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि एवरेज कैसे निकालें। बेटा जब ये पहले परसेंटेज दे रखा है तो इसको और 2 पॉइंट पीछे ले जाओ यानी कि डिवाइड बाय 100 इसको करेंगे, डिवाइड बाय 100 इसको करेंगे, डिवाइड बाय 100 इसको करेंगे। जब मैं इसको डिवाइड बाय 100 कर देता हूं तो ये आ जाएगा 0.98892, राइट। अब इसका हमारे को अवेयरनेस दे रखा है, इसका नॉर्मल वेट कितना है 12, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया कार्बन 12 वाले के आइसोटोप, ये रिलेटिव अबंडेंस को जब आप उसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक क्वांटिटी निकलती है। सिमिलरली आपके पास C13 का रिलेटिव अबंडेंस है पर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 0.01108 लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके मास से 13.00335। क्लियर है। इन दोनों के बीच में मेरे पास आएगा प्लस। सिमिलरली कार्बन के 14 का आइसोटोप में अब यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करना है तो या तो इसे 0.02 लिख दूं या फिर मैं इसको 10⁻¹² लिख दूं, बात तो एक ही है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 2 × 10⁻¹² × 14.00317। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे बुड्ढे हो चुके होंगे इसलिए मैं आपको बता देता हूं इसका मास इतना आ जाएगा 12.01। तो ये आपके सामने तरीका होता है अगर आपके पास अबंडेंस और उसका मास दे रखा होता है तो आप लोग उसकी मल्टीप्लाई करके सीधे ऐड करके मास निकाल सकते हैं। इस तरीके ये कार्बन का
एवरेज, ये मास कार्बन का एवरेज मास है जो कि 12, 13, 14 तीनों का ना लेकर हम लोग एक रेफरेंस ले लेते हैं और उस हिसाब से हमारे पास ये आता है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन है मेरे हिसाब से उसको करने के काबिल हो जाते हैं जिसमें हमारे पास क्लोरीन का पूछा जाता है। हाँ जी बिल्कुल 9th क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आपके पास डेटा मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ और यहाँ पर बोला है क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 का नेचुरल वैलेंस 75.77% दे रखा है और आपका यहाँ पर 24.23 दे रखा है। इसका मोलर मास आपको दे रखा है 34.9689 और इसका जो आपको दे रखा है 36.9659। आपके सामने डेटा आ चुका है और आपको बताना है कि एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा क्लोरीन का। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है। आपको पहले इसे पॉइंट इसमें कन्वर्ट करके उससे कर दीजिए, फिर इसका पॉइंट कन्वर्ट। अब देखो दो तरीके, एक और सुन लो, एक तो मैंने आपको कार्बन का बता दिया, एक इसका भी कर लेते हैं। देखो नेचुरल टोटल परसेंटेज तो हमें पता है कि 100 रहने वाली है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि जो 7 इसको ग्राम में मतलब जितना मास है कोई पूरा मान लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 75.77 इनटू, अगर मैं ये कर देता हूँ तो मेरे पास जो पिछला स्टेप करना रह गया है वो ये है कि सर आपने परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं किया। मैं अभी कर दूंगा, अभी के लिए बस देखो, एक तो ये स्टेप मैंने कर दिया प्लस 24.23 इंटू 36.9659 ये कर लेता हूँ। वो स्टेप ना कर कर आप इसको आसानी से डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, बात तो वहीं रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। हमें टोटल को डिवाइड कर देना 100 से, जो आपके पास आंसर यहाँ पे अलग अलग को 100 से करो या फाइंड आपके 100 से कर दो, परसेंटेज तो कन्वर्ट आपने कर ही दिया है। जब आपका परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा और आप लोग इस कैलकुलेशन को करेंगे तब तक मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 35.5 आंसर आपका आ जाएगा। अभी यू एएमयू ये सारे क्या खेल हैं, ये सब हम लोग थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास का। इसके साथ ही आज हमने एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी और जितने क्वेश्चन होंगे हम लोग सारे एक क्लास में एनसीईआरटी को फोकस रखते हुए बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये टॉपिक क्लियर है आपको, एवरेज एटॉमिक मास आप अपनी एनसीईआरटी घर जाकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर सकते हैं। पीछे के थ्योरेटिकल के अलावा सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होंगे, लास्ट के 3 ऐसे हैं जो नहीं होंगे जिसमें आपको मेरी मदद चाहिए हो, लेकिन कोशिश करना मेरे ही मेथड से आप लोग सॉल्व करें, बहुत आसानी हो जाएगी और आप सभी क्वेश्चंस को करने के काबिल हो। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। सर टेबल तो गिवन होगी ना एवरेज एटॉमिक मास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट थ्योरेटिकल लेक्चर जो कि जरूरी तो है।